सवाल खड़ा हो रहा है इस समय पर समूची दुनिया में सस्टेनेबिलिटी का। बहुत सारे ग्रोथ मॉडल, नैरोवन मॉडल की बात है, वो मनमोहन सिंह वाला मॉडल भी आ गया, वो WTO वाला मॉडल भी आ गया। तो सवाल क्या खड़ा हो रहा है, दुनिया के जो अपने को अमीर देश भी कहते हैं, हमारे मॉडल सस्टेनेबल नहीं, तो फिर मॉडल क्यों बनाया तुमने सस्टेनेबल नहीं। तो पर्यावरण का सवाल खड़ा हो गया, इकोलॉजी का सवाल खड़ा हो गया, आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं, आपका सिस्टम सबको सुख देने वाला नहीं है, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। ए सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, ए फ्रेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, वही इस मॉडल से लाभान्वित हो रहा है। अमेरिका में पिछले दिनों वो बड़ा मूवमेंट चला है, अमेरिका के जो शेयर मार्केट का मार्केट है उसके आगे लोग धरने पर बैठ गए, वॉल स्ट्रीट उसको बोलते हैं, तो वॉल स्ट्रीट ऑक्यूपाई मूवमेंट ऐसा चला। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अमेरिका में धरना देना ये कहां से शुरू हो गया, संपन्न देश है, सब प्रकार की बहबूदी है, सब प्रकार की तरक्की है, ये कहां से हो गया। तो वहां एक बड़े विद्वान प्रोफेसर है, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अमेरिका में क्या हो गया, ये असंतोष क्यों है अमेरिका में। तो उन्होंने स्टडी की, एक आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल ने कहा कि जब मैंने अमेरिका का बड़ी गहराई के साथ पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक स्टडी सिस्टम को स्टडी किया तो मुझे ध्यान में क्या आया, एक लाइन का उन्होंने लिखा, द एंटायर अमेरिकन सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इज गवर्न ओनली एंड ओनली बाय 1% पीपल। तो 1% लोग चला रहे हैं उसको, तो किसके लिए चला, उन्हीं के इंटरेस्ट में चलाएंगे ना। अमेरिका में 99% लोगों की बहबूदी का कोई ख्याल नहीं। आप उस मॉडल को कॉपी करेंगे क्या, जिस सवाल को चावला जी ने उठाया, विचार करना पड़ेगा ना, भारत केंद्रित विचार करना पड़ेगा, भारत की प्रकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति, समस्याएं, समाधान, सवाल, संसाधन अलग है। भारत जैसा विचित्र देश है, इसलिए पैराडाइम शिफ्ट में होने के बाद में विचार करना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी का इससे आएगी, उससे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। तो एक नए प्रकार का मॉडल, नए प्रकार का सिस्टम विकसित करने के बारे में भारत को विचार करना पड़ेगा, तब सिस्टम आएगा।